एंड बी एड एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2023। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग। कब तक आपके आवेदन फॉर्म यहां पे आएंगे, फुल ब्रॉडकास्ट के रिगार्डिंग जो सिलेबस आपका है कुमाऊं यूनिवर्सिटी शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, कहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कितनी यहाँ पे गवर्नमेंट सीटें हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो में ये तमाम चीज़ें मैं डिस्कस करने से पहले, मैंने ऑलरेडी जिन स्टूडेंट ने मेरी काफ़ी वीडियोज़ देखी होगी, जैसे कि मैंने बता दिया था कि सिरदेश सुमन यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने ग्रुप बना दिया था जिसमें से 131 लोग जुड़ चुके थे और उनकी प्रिपरेशन यहाँ पर हो रही है। साथ ही साथ इसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी और शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं। ध्यान देने स्टूडेंट, जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं 9536012088, आपको इस नंबर पर मुझे मैसेज करना है क्योंकि फिलहाल अभी कुमाऊं यूनिवर्सिटी और शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी के फॉर्म नहीं आए हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म आ जाएंगे और आपके पास प्रिपरेशन करने का एक महीना अभी भी है मौका स्टूडेंट। तो अगर आप मेरे साथ ऐड होंगे तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जिसका शुल्क मैंने 100 रुपये मात्र रखा है, यहाँ पे बेनिफिट आप देख सकते हैं। फॉर्म से रिलेटेड अपडेट, जैसे कि मैंने बताया आपके फॉर्म अभी नहीं आए, प्रीवियस ईयर के नोट्स आपको मिलेंगे, आपको सिलेबस इसमें मिलेगा, रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट मिलेगा, स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग मिलेगा, काउंसलिंग के रिगार्डिंग मिलेगा और आफ्टर एडमिशन के बाद बीएड की फाइल आपको मिलेगी। ध्यान देने स्टूडेंट, ये चीज़ें मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, ध्यान देना कि शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी में जो बीएड के जो गवर्नमेंट सीट हैं वहाँ पर जो टोटल गवर्नमेंट सीटें हैं मात्र 450 सीटें हैं और सेम यहाँ पे कुमाऊं यूनिवर्सिटी में काफ़ी तकड़ा कंपटीशन यहाँ पे गवर्नमेंट सीट के लिए होने वाला है। काफ़ी कम गवर्नमेंट सीटें हैं जिसके कारण कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है जहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जो आपका पेपर है 200 नंबर का रहने वाला है, शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी में आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है 300 नंबर का रहने वाला है। ध्यान देना स्टूडेंट, फिलहाल अभी तक इसके फॉर्म नहीं आए हैं। यहाँ पे बात करते हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, जैसे कि मैंने बताया कि 200 नंबर का आपका यहाँ पे पेपर रहने वाला है। जो फॉर्म का अप्लाई का डेट है वो आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आने वाली है। सेम कुमाऊं यूनिवर्सिटी शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है आपका लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेम इसका भी पेपर आपका 300 मार्क्स का आता है स्टूडेंट। ध्यान देना स्टूडेंट, कुमाऊं यूनिवर्सिटी का पेपर 200 का और शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी का पेपर 300 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे होंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई है। जैसे कि मैंने बताया कि शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी में आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है प्योर गवर्नमेंट सीटें यहाँ पे सिर्फ 100 सीटें अवेलेबल है और टोटल जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस की जो सीटें यहाँ पे 250 सीटें हैं। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, काफ़ी तकड़ा कॉम्पिटिशन यहाँ पे शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी और कुमाऊं यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग भी आप देख सकते हैं स्टूडेंट। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है यहाँ पे काफ़ी कम है, इसीलिए मैं कह रहा था स्टूडेंट आपको प्रिपरेशन करने का सबसे बेस्ट मौका मेरे साथ अगर आप जुड़ेंगे तो काफ़ी फायदा आपको इसके रिगार्डिंग रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट कॉलेजेस के नाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है काफ़ी कम गवर्नमेंट कॉलेजेस है, बाकी जितने भी कॉलेजेस है आपके सेल्फ फाइनेंस और प्राइवेट कॉलेजेस है। इसके कारण यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है कुमाऊं यूनिवर्सिटी और शोभन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी के जो गवर्नमेंट सीटें हैं वहाँ पे तगड़ा होने वाला है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप मेरे साथ ग्रुप में ऐड होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वहाँ मैंने आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन किया है, जो नंबर आप देख रहे होंगे आपको नॉर्मली इस पर मैसेज करना है और जो भी अपडेट आएगा आपको ग्रुप में जल्द से जल्द प्रोवाइड हो जाएगा। अनदर क्वेरी आपकी इसके रिगार्डिंग है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और कुछ भी प्रॉब्लम आपकी को प्रॉब्लम होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।